अब मिली गए तो मेरा एक काम ही कर दो, ईमान का नंबर मुझे दे। सुना है बहुत ही कमाल की मॉडल थी, जरा हम भी तो देखें ऐसा क्या है उसमें जो तुझ समेत सभी उसके दीवाने। कार्ड खोलो पढ़ो फिर समझ आएगा ना। इसमें मेरा एक सवाल है जिसका जिसका जवाब मुझे चाहिए। क्या कहा डॉक्टर ने? मामा, डॉक्टर कह रही हैं कि केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। लेट्स सी। या अल्लाह खैर, या अल्लाह कोई खुशी की खबर ही देना। देखें, मैंने आपको पहले ही बताया था कि केस काफी कॉम्प्लिकेटेड है। माँ और बच्चे में से किसी एक की जान बचाई जा सकती थी। देखें, हमने बहुत मुश्किल से माँ की जान बचाई है और हमारी नजर में पहले तरजीह माँ की जान बचाना था और यकीनन आपके लिए भी यही होगा। लिहाजा आपकी वाइफ की जान तो बच गई है, मगर आई एम सॉरी, हम बेबी को नहीं बचा सके। सबब नौशीन की तबीयत कैसी है, क्या मैं उसे मिल सकता हूँ? जी आप थोड़ी देर बाद मिल लीजिएगा। एक्सक्यूज मी। क्या हो गया? इतने अरसे के बाद हमारे घर खुशी आने वाली थी, पता नहीं किसकी नजर लग गई। हौसला करो साले बेगम, हौसला। खुदा के कामों में कोई दखल नहीं दे सकता। इस वक्त नौशीन को हमारी हौसला अफजाई की जरूरत है। खुदा का शुक्र अदा करो जान बच गई उसकी। खामोश। I'm feeling empty. Shane,
क्या हुआ? जो कुछ भी हमारे साथ हुआ वो खुदा की हिकमत है, हमें उस पर सब्र करना है। एंड आई स्वेयर, हमारी औलाद हो या ना हो, मैं तुम्हें इसी तरह मोहब्बत करता रहूंगा। और तुमने ये बात याद रखनी है, तुम रेस्ट करो, अभी आता हूं। अभी हम सब आपके साथ हैं। मैं जानती हूँ हारत, मगर इस तकलीफ को भूलना आसान नहीं है। अभी वक्त हर जख्म को भर देता है। नहीं हारत, माँ की कोख को जड़ जाने का दुख मरते दम तक रहता उसके साथ। अरे जी भाभी, तुमने ईमान का पता किया कि वो किस हाल में मां बन रही है वो? भाभी मैंने आपको कहा भी था कि उसका जिक्र आप मुझसे दोबारा नहीं करेंगी। मैंने जो पूछा है उसका जवाब दो। मेरी बात नहीं हुई उससे। तुम जानते हो अरे, हमने उसके साथ ज्यादती का खमियाजा भुगता है। क्या मतलब भाभी? मुझे लगता है वो लड़की मासूम है। तुमने उसके साथ ज्यादती की और मैं इस ज्यादती में खामोश रहकर बराबर की शरीक हूं। अल्लाह ने मुझे उस मासूम की जिंदगी बर्बाद करने की सजा दी है। भाभी ऐसा कुछ नहीं है, ये सब आपका वहम है। बुरा हमने नहीं, उसने किया हमारे साथ। मैं एक औरत हूँ हारिब, और एक औरत ही दूसरी औरत की आंखों में सच्चाई को पढ़ सकती है। मैंने उसमें ऐसी कोई बुराई नहीं देखी। न जाने तुम्हें ऐसी क्या गलत फहमी हो गई है। मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, अपना दिल साफ करो और उसके पास वापस चले जाओ, उसे तुम्हारी जरूरत होगी। बड़ी भी अब तक सो रही हैं आप? इतनी सारी बातें करनी है आपसे। एक तो ना आपको आराम करने की आदत हो गई, सारा काम मैं जो कर लेती हूँ। बड़ी भी आंखें खोले, बड़ी भी आंखें खोले। क्या हुआ आपको? आगे खोल नहीं बड़ी, मेरी बात सुने बड़ी, मैं चाय लेके आई हूं ना आपके लिए। उठे बड़ी, में क्या हो गया आपको? आगे खोले बड़ी, में मैं आ रही हूं बड़ी, में मैं आ रही हूं। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, मैं आ रही हूं। शानी तुम अभी तक घर नहीं गए? नहीं सर, वो पिछले फोटोशूट की कुछ तस्वीरें एडिट करवा रहा था। ठीक है, जाओ तुम। एक्चुअली सर मैं आपसे पूछना चाह रहा था, यहाँ पे सिर्फ काम ही होता है क्या? मतलब? मेरा मतलब है कोई पार्टी शार्टी का सीन ऑन नहीं है? बाबर भाई तो बहुत तारीफ कर रहे थे आपके फार्म हाउस की।
बहुत शौकीन लगते हो पार्टीज के, रख लेंगे पार्टी। ऑफ कोर्स सर, आई एम अ पार्टी बॉय। अभी तुम बच्चे हो, फिलहाल काम पे तो जो दो, जब हमें लगेगा कि तुम्हें पार्टीज को लेके जाना चाहिए तो ले जाओ। ओके सर, मैं इंतजार करूंगा, चलता हूँ। इनको फौत हुए हुए 8 घंटे से ज्यादा का टाइम हो चुका है, जितनी जल्दी हो सके इनके तदफीन का बंदोबस्त करें आप लोग। नहीं, आपको गलतफहमी होगी, कल तक बिल्कुल ठीक थी, कल तक बिल्कुल ठीक थी, अब चेक तो करके देखें क्या हो गया आपको। मेरा तो मशवरा ये है कि इनकी फौरन तदफीन की जाए, मैयत को ज्यादा देर रखना ठीक नहीं है, बाकी आप लोग की मर्जी। आपका मेरा पास दुनिया में कोई नहीं है, यकीन करें मैं कहाँ जाऊंगी। बड़ी भी उठ जाए, आप मेरा आपने मुझे कहा था मुझे कभी छोड़ ही नहीं जाएगी ना। बड़ी भी प्लीज उठ जाए ना, बड़ी भी मेरा कोई नहीं है दुनिया में आपके अलावा। बड़ी भी आप जानती ना सब मुझे छोड़ के चले गए। बड़ी भी आपने बता क्या था, आप कभी नहीं जाएंगी ना। बड़ी भी प्लीज उठ जाए, उठाए ना डॉक्टर प्लीज। बड़ी भी खामोशी से आप चली गई, ना अपने दिल की कोई बात की, ना मेरी सुनी कि आपकी मान किस तकलीफ में थी। बड़ी भी आपके बगैर मैं कैसे जीऊंगी, क्या करूंगी, आपके सिवा मेरा था ही कौन इस दुनिया में। मैं बहुत अकेली हो गई हूँ बड़ी भी, बहुत अकेली हो गई। उनके आखिरी वक्त में उनके साथ थी। मुझे देखो, मुझे माँ बन के बालों और मेरी बदकिस्मती के मैं उनका आखिरी दीदार भी नहीं कर सकी। ऐसा मत कहो खुशबू, बड़ी भी को सिर्फ हमारी दुआओं की जरूरत है, उनके लिए दुआ करो। कि जो हमें जरूरत है उसका क्या, दुआ करो कि हमें समय आ जाए, हमारी जिंदगी बची है वो चैन से गुजर जाए। आमीन। तुम भी अपना ख्याल रखो। वो तो अच्छा है कि बड़ी भी अपनी जिंदगी में हमारे महरूमों के हवाले कर गई, वरना इस वक्त में किसके कंधे पे सर रख के रोते हैं। ईमान, ईमान क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? नहीं कुछ नहीं, वो बड़ी बड़ी भी की याद आ गई। ईमान, हाँ।
हमने उसके साथ ज्यादती का खमियाजा भुगता है। मुझे लगता है वो लड़की मासूम है, तुमने उसके साथ ज्यादती की और मैं ज्यादती में खामोश रहकर बराबर की शरीक हूँ। अल्लाह ने मुझे उस मासूम की जिंदगी बर्बाद करने की सजा दी है। मुझे नफरत है बड़े बड़े रेस्टोरेंट से, बड़े बड़े होटल से, बड़े बड़े फार्म हाउसेस से, अरे मुझे सब चीजों से नफरत है, मुझे हर चीज से नफरत है। अहमद चाय। थैंक यू। अब आपने कल ऑफिस से जल्दी आना है, हम साथ जाएंगे एग्जीबिशन पे। नहीं फौजिया, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मैं नहीं जा पाऊंगा, तुम चली जाओ। मैं क्यों अकेली चली जाऊं? वहां सारे बिजनेसमैन आ रहे हैं, आप भी चलेंगे मेरे साथ? मुझे नहीं पता, मैंने कहा ना मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अमीन कल तक ठीक हो जाएगी, मुझे नहीं पता, आप चल रहे हैं मेरे साथ। देखो फौजिया, जिद मत करो, वैसे भी इन दिनों में बहुत अपसेट हूँ, मुझे तन्हा छोड़ दो। क्यों, क्या हुआ, कोई बिजनेस की टेंशन है? नहीं, अल्लाह का शुक्र है बिजनेस का कोई इशू नहीं है। कल मैंने ईमान को ख्वाब में देखा था, बहुत रो रही थी, मुझे पुकार रही थी। तो अमीन आप सोचते हैं बहुत है, ओवरथिंकिंग बहुत करते हैं, रिलैक्स रहें। मुझे यकीन है ईमान इस वक्त अपनी जिंदगी में मगन और खुश होगी, आप रिलैक्स रहें, इन बातों की टेंशन मत लें, बल्कि अपने बच्चों की फिक्र करें, उनकी पढ़ाई पर भी नजर रखा करें ना, हर चीज मुझे ही देखनी पड़ती है। सुबाई